तो आज की वीडियो के बारे में बात करूं तो आज जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो आपका HCL का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो कि अभी 2021 में हुआ था। तो मैं बात करूं इसका शुरुआत से, तो जब मैं बताऊं इसका टाइमिंग का, तो देखो ये टाइमिंग तो इन्होंने बुलाया था, रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे का था, ठीक है। लेकिन बट इन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट करा 4:30 से इन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट करा था। तो जब मेंबर की बात करूँ तो इसमें टोटल 5 मेंबर थे, जिसमें से 4 वो मेल थे और एक आपका फीमेल। तो सबसे पहले जाते ही आपका उन्होंने शुरुआत कर दिया कि आप बताओ कि अपना इंट्रोडक्शन दो, सीधा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन जनरली यही होता है, कभी कभी कोई लोग नहीं पूछते हैं, जैसे जेल में उन्होंने पूछा था या फिर बहुत सारे इंटरव्यू होते उसमें वो पूछते नहीं है। लेकिन इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत क्या करा कि आप बताओ अपना इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन देना, फिर आप इनको इंट्रोडक्शन, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है आपको, बस थोड़ा इंटरव्यू अकॉर्डिंग या फिर आप पहले जो प्रिपेयर करके आए बस उतना ही आपको इंट्रोड्यूस अपने आपको करना है। अब उसके बाद उन्होंने पूछा कि सेकंड क्वेश्चन था कि चलो आप बताओ आपका इंजीनियरिंग में आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है। तो आपको अगर उन्होंने इंजीनियरिंग स्पेसिफाई कर दिया कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो आपको अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में बताना है, जैसे सोम टोम या मैकेनिकल, सोम टोम या फिर आपका जो भी अपना थर्मल हो गया, फ्लूड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूड मशीन जो, ये सब आपको टेक्निकल सब्जेक्ट बताना है। फिर उन्होंने अब इन्होंने शुरुआत करा क्या क्वेश्चनिंग से कि चलो बेसिकली सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू इन्होंने करा। तो क्वेश्चन में सबसे पहला उन्होंने पूछा सैम्पलिंग क्या होता है। अगेन ये इंडस्ट्रियल क्वेश्चन है, आपको सैम्पलिंग बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो आपको बताना था कि सैम्पलिंग क्या होता है, आपको बेसिकली सैम्पलिंग और बताना है और आगे बढ़ जाना है। फिर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ये प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट लेआउट होता है उसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका आसान है, ज़्यादा टफ है नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद इन्होंने करा कि बफर स्टॉक क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है। बफर स्टॉक अगेन इंडस्ट्रियल क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बफर स्टॉक क्या होता है और इसका यूजेस क्या क्या, ये सब आपको बताना है। और जो जो आंसर है प्रॉपर वही आपको बताना है, ऐसा कुछ अलग नहीं बताना है उसमें, या फिर ज़्यादा नहीं बोलना है या फिर ज़्यादा नहीं करना है, जो प्रॉपर आंसर है प्रॉपर आंसर देना है, बस थैंक यू बोलना है, फिर अगला क्वेश्चन वो सामने से पूछेंगे। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन करा पर CPM क्या होता है, मतलब आपको पार्ट के बारे में बताना है, CPM क्या होता है वो बताना है, और उसके बाद आपका जो उसमें डिफरेंस जो बताना है आपको, डिफरेंस क्या होता है पार्ट और CPM में, ये भी आपको बताना है, क्योंकि उन्होंने पूछा इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। अगर वो सिर्फ पार्ट और CPM का डिफिनेशन पूछे तो आपको सिर्फ पार्ट और CPM का डिफिनेशन देना है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा कि इसका इसमें जो डिफरेंस है वो भी आपको बताना है। तो आप उसको स्पेसिफाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब या फिर जो आप अकॉर्डिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे, लेकिन जो प्रॉपर आंसर है वही आपको देना है। फिर उन्होंने पूछा क्या कि ABC एनालिसिस क्या होता है। ABC एनालिसिस अगेन ये इंडस्ट्रियल क्वेश्चन है। देखो HCL का जो अभी इंटरव्यू में उन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसका पूछा है, मैं इस खास इस पैनल का बात बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इन्होंने पूछा है बेसिकली इंडस्ट्रियल से। तो आपको देखो लगातार इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन चल रहा था, आपको ABC एनालिसिस ये इंडस्ट्रियल का ही आपको बताना है। ABC एनालिसिस बहुत आसान है, आप आराम से बता सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन करा क्या कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, आपको बताना है। उसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर बहुत आसान है ये आपको बताना। फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस रेनॉल्ड्स नंबर बताना है और आपको बताना है कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होता है। अगेन डायमेंशनलेस नंबर में ये सब पढ़ना है आपको, वहाँ पे आप आराम से बता सकते हो लॉन्च नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या क्या होता है। और ये सब जो बताना है वो किसके अकॉर्डिंग बताना है, आपका जो फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स जो आपने पढ़ा है उसी के बारे में आपको बताना है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और ये मुझे आपको जवाब देना है। और ये नहीं कि आप ये रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि इन्होंने नीचे लास्ट में बता दिया है कि आपको फ्लूड मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस के बारे में और इसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या क्या होता है वो आपको सबको बताना है। बस आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आपको आंसर बस उसके अकॉर्डिंग देना है। ये नहीं कि रेनॉल्ड्स नंबर आप HMD में जो रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ है वो आप बता दो। उसके बाद लास्ट में एक एयरक्राफ्ट से क्वेश्चन करा, उसमें क्या था कि एयरक्राफ्ट में कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो ये आप आसानी से बता सकते हो, ज़्यादा टफ है नहीं, मटेरियल साइंस का है और ये तो लगभग एग्जांपल आराम से हमेशा को मिलते ही रहता है। तो आप मैं क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करूँ तो इसमें लगता है ज़्यादातर क्वेश्चन किसका आपका है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेसिकली आपका फ्लूड मैकेनिक्स तो एक है, समझो एक ही है, रेनॉल्ड्स नंबर वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसका इंडस्ट्रियल का है। तो ये नहीं कि आपको वो इंडस्ट्रियल आपको ऐसा करना है कि जाना तो इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन सिर्फ करके जाना, नहीं, ये किसी भी सवाल किसी भी सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं या कहीं से भी पूछ सकते हैं।
बेसिकली आपको प्रिपेयर होके जाना है। जैसे आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का जो मेन सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ के जाना है, वो आपको वहाँ बताना है। उसके बाद जैसे इन्होंने एक लास्ट में मेटल साइंस क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन ज़्यादातर इस जो ये प्रॉपर जो इसमें हुआ इंटरव्यू में जो इन्होंने क्वेश्चन करा है वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा करा है आपका इंडस्ट्रियल से। तो आप मन में ये मत पढ़ के जाना कि हम इंडस्ट्रियल पढ़ना है, इंडस्ट्रियल पढ़ना है, आप कोई सब्जेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने पहला ही क्वेश्चन क्या करा था कि आप बताएं कि आपका किसी इंजीनियरिंग क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा। तो देखो आपने जो सब्जेक्ट बताया तो मतलब बेसिकली वो यही जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने एग्जाम क्लियर करा है तो ऑब्वियस सी बात आपको इसमें नॉलेज होगा, लेकिन वो बस जानना चाहते हैं कि आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है या फिर क्या कितना डीप जा सकते, कितना आप समझ पा रहे, वो सब जानना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए अगला वीडियो में बताऊँगा नेक्स्ट इंटरव्यू में किस किस टाइप का वो क्वेश्चन करते हैं या करेंगे। थैंक यू।